तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और शुरुआत करते हैं फिर आज के ब्लॉग की, और एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो जरा एक बार तुम, भाई साहब बादल पूरे नीचे नीचे दिख रहे हैं, ऊपर से सूर्य भगवान जी के दर्शन भी हो गए। और अभी खाली 6:30 हो रहा है टाइम, और यहाँ धूप लगभग 5 बजे के आसपास आ गई थी। मैं 8 बजे उठता हूँ और अभी मुझे ऐसा ही लगा कि 8-9 बज चुके होंगे। जब उठ के देखा तो मौसम ऐसा ही हो रखा था, धूप आ गई थी मतलब, तो मुझे लगा टाइम ज़्यादा हो गया होगा। जब टाइम देखा तो 6:30, और इधर से सारी जगह ही दिख जाती है। पर ये नज़ारा देखा तुम भाई, उधर से लेके इधर तक पूरे बादल ही बादल। राहुल बोल रहा हम ऊपर बादल नीचे, पर देखो तुम भाई क्या नज़ारा दिख रहा है इधर से यार, मस्त। देखो बादल सारे नीचे दिख रहे हैं, कल तो लाइट ही लाइट दिख रही थी, वो भी मस्त लग रहा था। आज बादल दिख रहे हैं इधर से इधर की तरफ, सुबह सुबह इधर भी रहे होंगे पर अब थोड़ा हो गया। और ये 6:30 बजे है, 6:30 बजे इतनी तेज़ धूप आ गई इधर, मतलब मस्त पूरी धूप आ गई। और जब हमारे गांव में, मतलब हमारे तरफ तो वैसे भी लेट में आती है, वहाँ 9-10 बजे के आसपास आती है, और यहाँ देखो 6:30 बजे, मतलब 5 बजे आ गई थी यहाँ धूप। और बादल पूरे नीचे नीचे, इतना मस्त लग रहा है ना, मन तो कर रहा है पास जाके दिखा दूँ उधर दूर जाके, पर नहीं जा सकता मैं, पर मस्त लग रहा है यार। इधर को चलता हूँ फिलहाल, तो पहले तो हम थोड़ा चाय पानी पीते हैं, उसके बाद थोड़ा काम करेंगे। देखो कल इतना सजा दिया था, यहाँ पे भी है एक छोटी सी मंदिर, जय बजरंगबली, बजरंगबली की। और इधर की तरफ आते देखो, कल गुब्बारे वगैरह भी लगा दिए थे, और एक गेट भी बना दिया एक छोटा सा। और यहाँ पे ये ब्यास जी के लिए बनाएंगे अभी बाद में, अभी बनानी है। और अभी ये डीजे वीजे भी सेटअप नहीं हुआ, ये आज ही करेंगे मतलब हम सुबह सुबह, तो अभी देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। फिलहाल तो उधर चलता हूँ मैं, राहुल भी चले गया उधर, और मंदिर भी दिखा दूंगा आपको आज। पर एक बार ये व्यू फिर से देखो यार, फिर से दिखाता हूँ एक बार, ये देखो भाई। तो अभी चाय वाय पी ली थी हमने, और देखो पीछे पूरा सज चुका है, अच्छे से दिखाता हूँ। देखो ये भी मतलब पूरा बन चुका है अब। अब ब्यास जी भी आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, और डीजे वगैरह भी सब कुछ लगा दिया हमने, बस थोड़ा सा सेटअप रह गया, मतलब आवाज़ आ रही है इनमें। पर जो ऊपर भोंपू से लगा रखी है, बाल्टी टाइप की होती है जो बड़े वाले, वो उनका अभी पता नहीं क्या हो रहा है, वो नहीं लग रहा अच्छे से। फिलहाल तो इन्हीं को लगा दिया, अभी उनको भी लगा रहे हैं अच्छे से। और बाहर जैसे सुबह हो रखा था ना बादल बादल, अभी भी वैसे ही हो रखा है एकदम। ये देखो तुम, जो बादल बादल से दिख रहे थे अभी भी दिख रहे हैं, पर अब तो कोहरा कोहरा सा लग रहा है, सुबह तो बिल्कुल बादल लग रहे थे। और ब्यास जी भी आने वाले हैं उधर, देखो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, कल तो हमारे ही साथ थे, वो अभी आ जाएंगे। और जब तक थोड़ा कम काम है, मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या पता शायद हम आज निकल जाए यहाँ से, मैं और राहुल, अभी कुछ पता नहीं है। तो देख लो ऐसा है मंदिर कुछ अंदर से, जय वैष्णो माता। यहाँ अंदर जाते ही नहीं जाते मेरे को नहीं पता, पर मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ आपको, देख लो एक बार ढंग से। और गणेश जी की मूर्ति है इधर, राधा कृष्ण की मूर्ति है उधर, माता रानी की मूर्ति है, बाकी यही है मंदिर अंदर से। और ब्यास जी भी आने वाले हैं उधर से, तो वो वाली वीडियो बनाता हूँ मैं। Thank you.
कलश यात्रा भी संपन्न हो चुकी है और ये मैंने पहली बार देखा, मतलब कुमाऊनी कल्चर पहली बार ही देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा मेरे को यार। मस्त मतलब पिछौड़ी वगैरह उन्होंने पहन रखी थी, वरना मैंने ऐसा रीलों में ही देख रखा है, रील्स में शॉर्ट्स में, वरना मैंने ऐसा देखा नहीं आज तक अपने सामने, तो अभी पहली बार ही देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा मुझे। और नीचे तो वो चल रहा है अभी, मतलब पूजा वगैरह हो रही है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है पर मतलब पूजा ही हो रही है वहाँ पे। और मैं और राहुल अभी छत पे आए हुए हैं मंदिर के, क्योंकि यहाँ पे वो लगाने थे थोड़ा मतलब साउंड सिस्टम का होता थोड़ा, तो हम ऊपर आए हुए थे। और एक बार अब तो बादल वगैरह नीचे से हट गए, जो सुबह दिखा रहा था मस्त लग रहे थे एकदम, पर एक बार जो आसपास का व्यू है वो दिखाता हूँ। यहाँ से बहुत सारी जगह दिख जाती है, कालिंका का मंदिर दिख जाता है, कुलांटेश्वर का मंदिर भी दिख जाता है और भी बहुत सारे गाँव दिख जाते हैं यहाँ से, मस्त मस्त व्यू आ रहा है। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, तो व्यू तो इधर से बहुत मस्त आ रहे हैं। बाकी कालिंगा का मंदिर इधर की साइड है और कुलांटेश्वर का भी, और राहुल और मैं छत पे आ रखे हैं बिल्कुल स्टैंड के, जहाँ नीचे भागवत चल रहा है, क्योंकि वो जो होते बाल्टी से उनको ठीक करना था मतलब कुछ, तो वो हो गया। और राहुल बोल रहा है रील बनाओ मेरी, राहुल सर कितने ऊपर आ रखे हम दिखाता हूँ, डर भी लग रहा है यहाँ से कहीं अंदर ही ना पहुँच जाए। नीचे भागवत चल रहा है, हम यहाँ छत पे बैठे हुए हैं, टीन का छप्पर है, कहीं भी टूट सकता है। तो अंदर भागवत शुरू हो गया है पर मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि मैंने जूते पहन लिए, मैं भूल गया था पहले, क्योंकि हम घर जा रहे हैं इसलिए मैंने जूते पहन लिए थे। तो मैं और राहुल आ गए ऊपर से, क्योंकि हमें दिन में ही पता चला कि हमारा एक टेस्ट होने वाला है कल, पहले से हमें पता नहीं था, वरना हम पहले से ही तैयारी करके जाते, मतलब तैयारी भी क्या ही करते, पर हमें पता नहीं था, हमें अभी दिन में ही पता चला कि हमारा टेस्ट होने वाला है, मतलब कल है हमारा टेस्ट। तो अभी हम घर की तरफ निकल गए हैं मैं राहुल, और कल हम टेस्ट देखें, क्या पता हम कल ही वापस आ जाएं टेस्ट देकर इधर, या हम उस दिन वापस आए जब भागवत का आखिरी दिन होगा। अभी संजू भैया ने कहा है वो कॉल करके बता देंगे हमें, तो अभी तो फ़िलहाल हम घर चलते हैं क्योंकि हमारा कल टेस्ट है और हम सरायखेत के रास्ते जाएंगे, पहले यहाँ से जाएंगे हम सरायखेत और उसके बाद जाएंगे हम घर। और ग्राउंड देखो तुम कितना बड़ा ग्राउंड है, अभी ये तो पता नहीं किस गांव का है, ये भी हो सकता है कि मतलब दो तीन गांव का मिलके होगा या जो भी है पता नहीं, पर पहली बार भी आए थे हम, पहली बार भी ऐसा ही था यहाँ पे, मतलब पिच भी था शायद, पर अब यहाँ पे पिच वगैरह कुछ है नहीं, पानी भर गया देखो जगह जगह पर, शायद अब मैच नहीं होते होंगे ये तो पता नहीं, पर हमको इधर की साइड जाना है, इधर से सरायखेत। तो आ गए हम सरायखेत से इधर को, मतलब सरायखेत में मैंने बनाई नहीं वीडियो, क्या बनाना, परसों एक दिन दिखाया था मैंने जब हम कुलांटेश्वर गए थे, या बर्थडे पार्टी थी पता नहीं किस दिन, पर अभी आ गए हम देख लो पीछे मार्केट से, आगे को अभी घर जा रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब तो अभी फटाफट से घर चलते हैं अंधेरा होने से पहले, वरना अंधेरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी और ठंड भी लग रही है इधर। तो अभी हम तलिया में पहुँच चुके हैं, राहुल को करते हैं इधर से बाय बाय, राहुल जाएगा अपने घर इधर से उधर की तरफ, मैं जाऊँगा इधर से, तो मैंने कहा था ना रात हो जाएगी, देख लो रात हो गई और यहाँ से दोनों का अकेले अकेले जाना है, तो वो भी जाता है, वो भी जाएगा फिर अपने घर की तरफ और मैं भी चलता हूँ। तो अभी पहुँचने वाला हूँ मैं घर पे, घर वालों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैं आज ही आने वाला हूँ, मैंने बताया नहीं क्योंकि, घर पे जाऊँगा और सीधा उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा, सीधा अंदर घुस जाऊँगा, पहले मैं जूते उतार दूँगा बाहर ताकि सीधा अंदर चले जाऊँ, अगर सोए ना हुए होंगे तो उधर ही होंगे जहाँ खाना बनता है, सीधा घुस जाऊँगा अंदर, देखता हूँ उनका रिएक्शन। हेलो दोस्तों, है क्या
क्या हुआ इसमें? देख लो ये इनका रिएक्शन कितने ज्यादा खुश हो गए। देखा ये देखो यार आटा गुदने लग गया, मुझे लगा कि सो भी गए होंगे पर भी आटा ही गुद रहा है। दादी भी यहीं पे बैठी हुई है, मैं गर्म पानी दे दिया बगतन। 3-4 बजे तो अमुक बैठी 4 बजे नहीं है कल बोल टेस्ट ना मतलब गर्म पानी भी तो ये सर दर्द हो रहा है। फोन चलाना खुद ही तो मेरा भी सिर दर्द हो रहा है, तो वो लोग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं कल मिलता हूँ आपसे।